क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में ये है, चैप्टर नंबर 5 इसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। चैप्टर नंबर 5 का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। इसमें कोल के बारे में हम लोग देखेंगे और पेट्रोलियम के बारे में कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड। हम लोग बहुत सारी मटेरियल जो है यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? हमारे बेसिक नीड के लिए करते हैं। बेसिक नीड के लिए हम लोग करते हैं, यूज़ करते हैं बहुत सारे वेरियस मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं। सम ऑफ देम जो है बता रहा है कि नेचर में पाया जाता है, कुछ जो है ये नेचर में पाया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन, कुछ जो है ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, मेड बाय ह्यूमन। तो हम लोग एक्टिविटी 5.1 देख रहे हैं। हम लोग मेक एक लिस्ट बनाना है, मेक ए लिस्ट, हम लोग को एक लिस्ट बनाना है। क्या बनाना है? वेरियस मटेरियल का यूज़ बनाना है कि डेली लाइफ में जो हम लोग यूज़ करते हैं, और क्लासिफाई करना है हम लोग उसको, नेचुरल और मेन मैड एलिमेंट के रूप में हम लोग को क्लासिफाई करना है। तो हम लोग देखते हैं कि नेचुरल क्या है और मेन मेड क्या है। बहुत सारे मटेरियल जो है, कुछ नेचुरल है हम लोग के आसपास, कुछ मैन मेड है, नेचुरल है, मैन मेड है। हम लोग ये सारी चीज़ें लिखते हैं कि क्या नेचुरल है और क्या मैन मेड है, ये बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। उसके बाद कह रहा है ये कि डज दिस लिस्ट, ये जो कह रहा है कि लिस्ट इंक्लूड, क्या इस लिस्ट में वाटर है, एयर है, वाटर है, सॉयल है और मिनरल है क्या इस लिस्ट में। कह रहा है कि सिंस ऑल ऑफ दीज आर ऑब्टेंड फ्रॉम नेचर, ये कह रहा है कि ये सारे चीज़ें जो हैं ये नेचर से मिलते हैं। क्या क्या नेचर से मिलते हैं? एयर नेचर से मिलता है, और वाटर नेचर से मिलता है, सॉयल जो है वो नेचर से मिलता है, और मिनरल्स जो है ये नेचर से मिलता है। ये सारे जो है नेचर से मिलते हैं, तो जो नेचर से मिलता है इसलिए इसको नेचुरल रिसोर्सेस बोलते हैं। जो नेचर से मिलता है उसको क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। क्या मिल रहा है नेचर से? एयर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, सॉयल मिल रहा है और मिनरल मिल रहा है। तो जो नेचर से मिल रहा है, जो कहाँ से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है, उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। तो नेचर से जो मिलता है उसको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। ये बच्चा पूछ रहा है, या ये डायग्राम में दिखा है कि कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। कह रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या सदा के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं? इसका आंसर हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे। कर रहा है कि ये एयर है, यहाँ पे आगे कर रहा है कि ये कैन एयर, ये जो एयर है, वाटर है और सॉयल है, सॉयल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। एग्जॉस्टेड क्या ये ख़त्म हो जाएगा ह्यूमन की एक्टिविटी से? डू यू हैव ऑलरेडी स्टडीज इन क्लास 7 में, कर रहा है कि आप 7 में पढ़ चुके हैं ये। इज़ वाटर इज़ ए लिमिटेड रिसोर्स, क्या वाटर जो है ये लिमिटेड रिसोर्स है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि नहीं, लाइट ऑफ द एवेलेबिलिटी, ये कह रहा है एवेलेबिलिटी माने है कि नहीं है एवेलेबिलिटी, ये वेरियस रिसोर्सेस, कह रहा है कि वेरियस रिसोर्सेस इन नेचर, नेचर में क्या है बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। नेचुरल रिसोर्सेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स, दो तरह से नेचुरल रिसोर्सेस को क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफाई क्या चीज़ को किया गया है? नेचुरल रिसोर्सेस, ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इनको क्लासिफाइड किया गया है दो तरह से, टू काइंड्स। पहला है इनहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस, इनहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस, ये इनहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस क्या है? ये कह रहा है कि दे आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, ये क्या है? ये इनहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस जो है ये अनलिमिटेड क्वांटिटी है, अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड नॉट लाइकली टू बी एग्जॉटेड, एग्जॉटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, कुछ भी ह्यूमन कर लें ये ख़त्म नहीं होगा। जैसे सनलाइट है ये ख़त्म नहीं होगा, एयर है ये ख़त्म नहीं होगा।
अब बता रहा है कि एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सहॉस्टेबल जो कि ख़त्म हो सकता है, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो ख़त्म हो सकते हैं वो क्या क्या है। कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, क्या है, नेचर में लिमिटेड है। कर रहा है कैन बी एग्जॉस्टेड, ये जो है ख़त्म हो सकता है, एक्सहॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ये ख़त्म हो सकता है। क्या क्या है इसका एग्जाम्पल, करा कि वाइल्ड लाइफ है, जंगली जीव जंतु है, इसके बाद बता रहा है कि मिनरल है, और ये कोल है और पेट्रोलियम है, इसके अलावा है ये नेचुरल गैस। ये जो चीज़ें हैं ख़त्म हो सकती हैं, कैसे ख़त्म हो सकती हैं, ये वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस, ये ख़त्म हो सकती है। किसके कारण, ह्यूमन के एक्टिविटीज़ के कारण ये ख़त्म हो सकती है, एग्जॉस्टेड हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। अब ये एक्टिविटी 5.2 बता रहा है, ये 5.2 जो बता रहा है इसको हम लोग बाद में देखने की कोशिश करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ है यहाँ पे, कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ इसको हम लोग छोड़ के फिर आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कर रहा है कि इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, कर रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन दिस चैप्टर क्या पढ़ेंगे हम लोग, यू विल लर्न क्या पढ़ेंगे, अबाउट सम एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो ख़त्म होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज हैं एक्सहॉस्टेबल, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि दीज वेयर फॉर्म्ड, ये कैसे बना है, दीज वेयर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स, जो लिविंग चीज़ है डेड हो गया है उसी से बना है, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कभी जीवित था अब डेड हो गया है उसको फॉसिल्स बोलते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसका अवशेष बचा हुआ है उसको फॉसिल्स बोलते हैं। कह रहा है कि सो दीज आर ऑल्सो नॉन एज फॉसिल्स फ्यूल, इसको फॉसिल्स फ्यूल भी कहते हैं। कह रहा है कि ये कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सबको हम लोग फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ये फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल कोई पूछेगा कि क्या क्या है, फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल बताइए, तो हम लोग कहेंगे कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ये फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये आ रहा है कोल, कोल के बारे में देखते हैं, कोयला हम लोगों ने देखा है ना, कोल, इसी को कोयला को ही कोल कहते हैं। करे कि यू हैव सीन कोल, करे कि ये कोल आप, यू हैव सीन कोल आप देखे होंगे, और हर्ड या सुने होंगे, हर्ड अबाउट इट, ये फिगर 5.1, ये फिगर 5.1 में ये कोल है, ये फिगर 5.1 में यहाँ कोल दिखाया हुआ है। करे इट इज़ अ हार्ड एस स्टोन, ये हार्ड होता है स्टोन के जैसा, और कलर इसका क्या होता है, ब्लैक इन कलर होता है, ये कोल ब्लैक इन कलर होता है। कह रहा है कि कोल इज़, कोल जो है कोयला है, इज़ वन ऑफ द फ्यूल, ये ईंधन है, यूज टू कुक, ये कुक फूड बनाने के काम में आता है। कह रहा है अर्लियर, पहले बता रहा है, इट वॉज यूज इन रेलवे, ये पहले रेलवे इंजन में यूज होता था, क्यों, टू प्रोड्यूस स्टीम, भाप बनाने के लिए, भाप क्यों बनाने के लिए, टू रन द इंजन, इंजन इससे चलता था। कह रहा है इट इज़ ऑल्सो यूज, ये ऑल्सो यूज होता है कहाँ पे, थर्मल पावर प्लांट में, जहाँ से बिजली बनती है, क्यों यूज होता है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बनाने के लिए। आगे बता रहा है कि कोल इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल, कोल जो है फ्यूल के रूप में यूज होता है, कहाँ पे, इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होता है। अब बता रहा है कि स्टोरी ऑफ कोल, हम लोग को स्टोरी ऑफ कोल जानना चाहिए, क्या है कोल की स्टोरी। ये जो बच्ची है ये पूछ रही है, वेयर डू वी गेट कोल फॉर फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड,
करिए कि कोयला कहाँ से मिलता है। कोयला वेयर डू वी गेट कोल, कहाँ से मिलता है। फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, कैसे ये बनता है, ये पूछ रही है। तो ये बता रहा है यहाँ पे, क्या बता रहा है कि करीब 300 साल पहले, कितने साल पहले, करीब अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो, कितने दिनों की बात है, 300 मिलियन ईयर एगो, 300 ईयर नहीं है ये, मिलियन ईयर एगो है, 300 मिलियन ईयर एगो, द अर्थ हैज़ डेंस फॉरेस्ट, अर्थ में क्या था, डेंस फॉरेस्ट था, इन अ लो लाइंग वेटलैंड एरिया, ये वेटलैंड एरिया जो था वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट था। कह रहा है कि ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, बाढ़ वगैरह आ गया, दिस फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड, ये जमीन के भीतर चले गए, ब्यूरिड अंडर द सॉयल, कहाँ चले गए, सॉयल के नीचे चले गए। कह रहा है कि सॉयल के नीचे चले गए तब क्या हुआ, एस मोर सॉइल डिपोजिटेड, उसके ऊपर मिट्टी बहुत सारा चढ़ गया, ओवर देम, पेड़ के ऊपर बहुत सारा मिट्टी चला गया, दे वेयर कंप्रेस्ड, इतना मिट्टी चला गया कि कंप्रेस्ड हो गए, दब गए। कह रहा है कि द टेम्परेचर जो है दबने के कारण ऑल्सो रोज, टेम्परेचर बढ़ता गया, एस दे सैंक डीपर एंड डीपर, और वो जो है मिट्टी से नीचे और नीचे चलते चले गए और टेम्परेचर बढ़ता चला गया। कह रहा है कि अंडर हाई प्रेशर, इस दबने से क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया एंड हाई टेम्परेचर हो गया, ये डेड जो प्लांट थे गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, आ धीरे धीरे वो कोल में बदल गए, एस कोल, कोल कॉन्टेन मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड वेजिटेशन। कह रहा है कि ये कन्वर्सन हो रहा है, कन्वर्सन हो रहा है, चेंज हो रहा है, डेड वेजिटेशन जो प्लांट वगैरह थे इनटू कोल में ये चेंज हो गए, तो इसको जो है कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। कार्बोनाइजेशन किसको बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन किसको बोलते हैं, ये डेड वेजिटेशन प्लांट वगैरह जो थे वो कोल में कन्वर्ट हो गए, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। कह रहा है कि सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, यानी कि प्लांट, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, इसको फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। ये बना हुआ है क्या, पेड़ पौधों से बना हुआ है, वेजिटेशन के रिमेन्स से, जो पेड़ पौधे थे उससे ये बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। कह रहा है कि कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2, फिगर 5.2 में जो है ये कोल माइन यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए ये जमीन के नीचे से जो है ये कोयला निकाला जा रहा है, फिगर 5.2 ये कोल माइन है, ये सब जमीन से जो है कोड़ के नीचे से कोयला है ये सबको निकाला जा रहा है, ये मशीनें हैं, मशीनों से कोड़ के कोयला निकाला जाता है। कह रहा है कि व्हेन हीटेड इन एयर, जब इसको हीट किया जाता है, व्हेन हीटेड इन एयर, जब हवा में हीट किया जाता है, कोल जो है ये बर्न करता है, जलता है एंड प्रोड्यूस करता है, मेनली क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस करता है। आगे बता रहा है कि कोल इज प्रोसेस्ड, कोल को क्या किया जाता है, प्रोसेस्ड किया जाता है, कहाँ पे, इन इंडस्ट्री, क्यों, टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट इसे लेने के लिए, क्या क्या है यूजफुल प्रोडक्ट, कोक है, कोल तार है और कोल गैसेस हैं। तो कोल को प्रोसेस करके क्या क्या मिलता है, कोल से कोल मिलता है, कोल तार मिलता है और कोल गैस मिलता है। ये कोक क्या है, कोक के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये कोक क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कोक क्या है, ये कोक के बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कोक जो है ये टफ, कड़ा है ये, और पोरस, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, एंड ब्लैक सबस्टांस, ये काला पदार्थ होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है, प्योर फॉर्म ऑफ
कार्बन होता है। कह रहा है कि कोक इज यूज्ड, किसमें यूज्ड होता है, ये कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में यूज होता है, और इसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल, बहुत तरह के जो मेटल है उसको बनाने में कोल का यूज़ होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स में कोल का यूज़ होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कोयले से कोल तार बना है, कोल तार के बारे में देखते हैं, कोल तार क्या होता है। कोल तार कह रहा है इट इज़ ए ब्लैक, ये काला होता है, कोल तार ब्लैक होता है, और थिक लिक्विड, गाढ़ा लिक्विड होता है, फिगर 5.3 में दिया हुआ है। इसके अलावा ये दे रहा है कि इसका स्मेल जो है अनप्लेजेंट, अच्छा स्मेल नहीं होता है। ये क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ये मिक्सचर होता है, क्या चीज़ का मिक्सचर होता है, ये यहाँ पे हम लोग फिगर 5.3 में देख रहे हैं, कोल तार का ये दिखाया हुआ है यहाँ पे। आगे हम लोग ये देख रहे हैं कि अबाउट 200 पदार्थ होते हैं, कोल तार में कितने पदार्थ होते हैं, करीब इसमें 200 पदार्थ होते हैं। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार, ये जो कोल तार से जो है प्रोडक्ट मिलता है वो यूज़ क्या चीज़ में होता है, यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज इन एवरीडे लाइफ। ये 200 पदार्थ कोल तार से मिलते हैं और ये सबका जो है यूज़ अलग अलग इंडस्ट्री में होता है, जैसे कह रहा है कि सिंथेटिक डाई जो कलर बनाते हैं वहाँ यूज़ होता है, दवाई बनाते हैं वहाँ यूज़ होता है, एक्सप्लोसिव बम वगैरह बनाते हैं वहाँ यूज़ होता है, परफ्यूम सेंट वगैरह में यूज़ होता है, प्लास्टिक में यूज होता है, पेंट में यूज होता है, फोटोग्राफिक मटेरियल में भी यूज होता है, रूफिंग छत के ऊपर मटेरियल जो है लगाने वाला मटेरियल होता है। और कह रहा है इंटरेस्टिंगली नैप्थलीन बॉल बनाया जाता है, नैप्थलीन बॉल हम लोग देखे होंगे घरों में यूज़ करते हैं, तो नैप्थलीन बॉल इसे बनाए जाते हैं। यूज टू रिपेल द मोथ्स, ये मोथ्स वगैरह जो है कीड़ा मकोड़ा एंड अदर इंसेक्ट को भगाने में ये काम आता है, ये भी किससे बनाया जाता है, ये कोल तार से बनाया जाता है। कह रहा है कि दिस डे, आजकल बता रहा है कि बिटुमेन जो है ये ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है ये यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार, कोल तार के जगह पे बिटुमेन यूज होता है। बिटुमेन कहाँ से आता है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और जो है ये कोल तार के जगह पे यूज होता है फॉर मेटलिंग द रोड, ये प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड, रोड वगैरह में भी ये काम आता है। अब हम लोग देखते हैं कोल गैसेस, कोल गैसेस के बारे में ये हम लोग देख रहे हैं, कोल गैस कह रहा है, कोल गैस, ये कोल गैस जो है ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, कब पार किया जाता है, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, कोल से जब जो है कोक मिलता है उस समय हम लोग को कोल गैस मिलती है। कह रहा है इट इज़ यूज्ड, ये यूज़ क्या चीज़ में होता है हम लोग देखेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, जो रोड की लाइट है उसके लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट टाइम कहाँ यूज हुआ था, लंदन में यूज हुआ था, कब यूज हुआ था, 1810 में हुआ था, इन द न्यूयॉर्क ये 1820 में यूज हुआ था। कह रहा है कि नाउ ए डे इट इज़ यूज्ड फॉर अ हीट रेदर देन लाइट, ये जो है हीट के लिए अब यूज होता है ना कि अब लाइट के लिए यूज होता है। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं कि ये जो है हम लोग देख रहे थे कोल गैस के बारे में, कोल गैस कह रहा है कि ऐसे फ्यूल के रूप में अभी ये यूज़ होता है, फ्यूल ईंधन के रूप में मेनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्री में। सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, ये जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ पर जो है वहाँ पर फ्यूल के रूप में ये यूज होता है। अब हम लोग देख रहे हैं पेट्रोलियम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 5.2 पेट्रोलियम ये हम लोग देख रहे हैं। पेट्रोलियम में हम लोग देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि यू नो आप जानते हैं, यू नो
दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स। लाइट ऑटोमोबाइल्स क्या हैं? जैसे कि मोटरसाइकिल है, स्कूटर है और कार है, ये लाइट ऑटोमोबाइल्स इसको बोलते हैं। आगे बता रहा है कि हैवी मोटर्स जो हैं, हैवी मोटर व्हीकल्स, ये क्या हैं? लाइक ट्रक्स वगैरह हैं या ट्रैक्टर्स हैं, ये जो हैं रन ऑन डीजल, ये डीजल से चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि ये जो पेट्रोल हैं, ये पेट्रोल और डीजल दोनों जो है आर ऑब्टेंड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स से ये मिलता है। पेट्रोल और डीजल दोनों जो है नेचुरल रिसोर्स से मिलता है और उसको हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। कह रहा है कि डू यू नो हाउ पेट्रोल इज़ फॉर्म्ड, पेट्रोल कैसे बनता है, हाउ पेट्रोल इज़ फॉर्म्ड, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि पेट्रोल वॉज फॉर्म्ड, ये पेट्रोल जो वॉज फॉर्म्ड बना था कहाँ से? ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, जो ऑर्गेनिज्म हैं कहाँ रह रहे हैं? सी में रह रहे हैं। ये ऑर्गेनिज्म जो हैं समुद्र में रह रहे हैं, उसके द्वारा ये बना है। कह रहा है कि एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जब मर जाते थे उनका बॉडी जो है, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम, नीचे में जमा हो जाता था। कहाँ? नीचे में, सी के नीचे में। और कह रहा है कि गॉट कन्वर्टेड विथ अ लेयर ऑफ सैंड, ये जो है बालू से वो मिल जाते थे, और किससे मिलते थे? कीचड़ से ये मिल जाते थे। कह रहा है कि ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर, यहाँ जो है मिलियंस ऑफ ईयर के बाद क्या हुआ? जब ये एब्सेंस ऑफ एयर हुआ और हाई टेम्परेचर वहाँ पे हुआ, और क्या हो गया? हाई प्रेशर भी हो गया, तो ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। ये जो डेड ऑर्गेनिज्म थे वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया इनटू पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस में ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ये कि पेट्रोलियम बनता है। कह रहा है कि लुक एट फिगर 5.4, ये 5.4 फिगर को देखने के लिए बता रहा है। हम लोग 5.4 फिगर ये देखते हैं, 5.4, ये जो है 5.4 फिगर है, यहाँ 5.4 फिगर है, ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपोजिट्स। कह रहा है कि यहाँ पे जो है रिजर्वायर रॉक है, ये रिजर्वायर रॉक है, और यहाँ पे इस लेयर में जो है ये ऑयल है, यहाँ पे ये ऑयल है, ये ऑयल है इस लेयर में, इस लेयर में ये क्या है? ऑयल है। तो ऊपर से पाइप डालते हैं, ऐसे पाइप यहाँ पे है, यहाँ पे ये पाइप है, तो पाइप डालते हैं और यहाँ पे ये रॉक्स हैं, ये सारे जो हैं रॉक्स हैं। तो ये पाइप से बता रहा है, ये वेल्स इसको बोलते हैं, ये वेल्स, इसके थ्रू जो गैस वगैरह है यहाँ पे, ये गैस है या फिर ये ऑयल है, ये पाइप से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, पाइप से क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि लुक एट फिगर 5.4, ये फिगर 5.4 को देखना है। इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। फिगर में हम लोग को दिखा था पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, ये दिखा था। कह रहा है कि यू सी दैट लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैसेस इज अबव द वाटर, ये कहाँ है? पानी के ऊपर है। कह रहा है कि दैट वाई इज इट सो, ये ऐसा क्यों? कह रहा है कि रिकॉल, याद कीजिए, ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर, ये वाटर से हल्के होते हैं, एंड डू नॉट मिक्स विथ इट, ये मिलते भी ये नहीं हैं। यहाँ बता रहा है कि फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिनसुला, ये यूएसए में एक जगह है, 1859 में यहाँ पेनिनसुला में ये जगह है, वहाँ पे खोदा गया था, ड्रिल्ड किया गया था। कह रहा है कि 8 ईयर लेटर, 8 साल के बाद 1869 में जो बता रहा है कि ऑयल वाज स्ट्रक एट माकून इन आसाम, ये जो बता रहा है ऑयल वाज स्ट्रक एट माकून इन आसाम इन इंडिया बता रहा है यहाँ पे,
ऑयल इज फाउंड इन आसाम में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है और मुंबई में भी पाया जाता है, मुंबई हाई, एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी में पाया जाता है और कृष्णा में भी पाया जाता है। कह रहा है कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का रिफाइनिंग कैसे करते हैं, पेट्रोल को शुद्ध कैसे करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को कैसे शुद्ध करते हैं। कह रहा है कि ये जो पेट्रोलियम है डार्क ऑयली लिक्विड है, कैसा है लिक्विड है ये पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ये डार्क ऑयली लिक्विड है। कह रहा है इट हैज़ अनप्लेजेंट ऑडर, ये इसका जो गंध है बहुत ही ख़राब होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बहुत तरह की चीज़ें इसमें होती हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, पेट्रोलियम गैस होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, पैराफिन होता है, वैक्स होता है, इट इज़ बहुत तरह की चीज़ें पेट्रोलियम में ये होता है। कह रहा है यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, ये जो बहुत तरह की चीज़ें हैं इसको जो हम लोग अलग कर रहे हैं उसको जो है फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नॉन एज रिफाइनिंग, पेट्रोलियम से जो सारी चीज़ों को हम लोग अलग कर रहे हैं उसको रिफाइनिंग कहते हैं। इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी होते हैं। ये फिगर 5.5 ये फोटो दिखा रहा है, पेट्रोलियम रिफाइनरी ये है, ये फिगर है पेट्रोलियम रिफाइनरी। यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट में बांटते हैं, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी का ये फोटो है। तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कह रहा है यहाँ पे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, कह रहा है कि वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, ये पेट्रोलियम में क्या क्या चीज़ें होते हैं, पेट्रोलियम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये यहाँ इस टेबल 5.1 में दिया हुआ है, टेबल 5.1 में दिया है, सीरियल नंबर है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम क्या क्या है, एक नंबर में हम लोग देखते हैं। इसमें पेट्रोलियम गैस है इन लिक्विड फॉर्म जिसको LPG भी बोलते हैं, दूसरे में पेट्रोल है, हम लोग अब अच्छी तरह से परिचित हैं, तीसरे में जो होता है ये किरोसिन होता है, चौथे में डीजल है, पांचवे में लुब्रिकेटिंग ऑयल है और छठे में पैराफिन वैक्स है, छठे में ये पैराफिन वैक्स है, सातवें में बिटुमेन ये आ जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या क्या यूजेस हैं, इसके यूजेस क्या हैं, पेट्रोलियम के यूजेस हैं ये फ्यूल फॉर LPG का, ये घर में और इंडस्ट्री में खाना बनाने के काम में आता है। पेट्रोल का क्या काम है, पेट्रोल का, पेट्रोल जो है मोटर में काम आता है, हवाई जहाज में काम आता है, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ये ड्राई क्लीनिंग के सॉल्वेंट में भी काम आता है। किरोसिन का क्या काम है, फ्यूल फॉर स्टोव जलाते हैं, लैंप्स एंड जेट एयरक्राफ्ट भी हम लोग जलाते हैं। डीजल का क्या काम है, डीजल का, डीजल जो है हेवी व्हीकल होता है, बस ट्रक, इलेक्ट्रिक जनरेटर उसमें काम आता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन में काम आता है, और पैराफिन वैक्स जो है ये क्या है, पैराफिन वैक्स जो है ऑइंटमेंट, कैंडल और वैसलिन वगैरह बनाने में काम आता है। ब्यूटमेन जो है, ब्यूटमेन अलकतरा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पेंट और रोड सरफेस बनाने में काम आता है ब्यूटमेन। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि मेनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेंड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये जो पेट्रोलियम है और क्या है नेचुरल गैस है, बहुत तरह की चीज़ें इससे मिलता है। कह रहा है कि दीज आर टर्म्स एज पेट्रोकेमिकल्स, इसको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। कह रहा है दीज आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट साबुन वगैरह बनाने में, फाइबर्स बनाते हैं हम लोग, पॉलिस्टर बनाते हैं, नायलॉन बनाते हैं, एक्रेलिक बनाते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं हम लोग, एंड होममेड प्लास्टिक्स बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं,
नेचुरल गैसेस से, और ये जो है यूज़ होता है, और क्या चीज़ में यूज होता है, ये फर्टिलाइजर खाद वगैरह बनाने में, यूरिया बनाने में भी यूज होता है। करेक्ट, ड्यू टू इट्स अ ग्रेट कमर्शियल इम्पॉर्टेंस पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड, पेट्रोलियम को कहते हैं हम लोग ब्लैक गोल्ड कहते हैं, पेट्रोलियम को कहते हैं ब्लैक गोल्ड, और कोयलों को कहते हैं ब्लैक डायमंड। तो पेट्रोलियम को हम लोग कहते हैं ब्लैक गोल्ड और कोयले को कहते हैं ब्लैक डायमंड। अब हम लोग देखते हैं नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस के बारे में देख रहे हैं। कह रहे हैं कि नेचुरल गैस जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है ये, और नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, ये इसको हाई प्रेशर में जो है स्टोर किया जाता है, अंडर हाई प्रेशर से अंडर इसको स्टोर किया जाता है। हम लोग इसको देख रहे हैं हाई प्रेशर में जो है स्टोर किया जाता है, इसीलिए जो है इसका नाम जो है नाम दिया गया CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कह रहा है कि CNG इज़ यूज्ड पावर जनरेशन में ये काम आता है, और इसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल गाड़ी चलाने में भी काम आता है। क्यों? क्योंकि लेस पॉल्यूशन होता है, ये जो है क्लियर फ्यूल इसको बोलते हैं, इससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है। कह रहा है कि ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग, इसको डायरेक्टली जो है बर्निंग के लिए यूज किया जा सकता है। कहाँ पे? होम में इसको यूज़ किया जा सकता है, और होम के अलावा कहाँ पे? फैक्ट्री में भी यूज़ किया जा सकता है। वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, ये जो है पाइप के थ्रू सप्लाई इसको किया जाता है या किया जा सकता है। कराए कि नेटवर्क जो है इसका पाइपलाइन का है, एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे? बड़ोदरा में। बड़ोदरा कहाँ है? ये गुजरात में है। कराए कि कुछ पार्ट जो दिल्ली में है एंड अदर प्लेसेस, कुछ और जगह में भी पाइप से ये गैस सप्लाई किया जाता है। कह रहा है कि नेचुरल गैस जो है ऑल्सो यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स, बहुत तरह के केमिकल और फर्टिलाइजर इससे बनाए जाते हैं। कह रहा है कि इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स, बहुत सारे वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, इंडिया में बहुत जगह पे नेचुरल गैस के सोर्स हैं। कह रहा है कि इन आवर कंट्री, हमारे देश में नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन में ये पाया जाता है। यहाँ पे ये बच्चा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, क्या जो है कि ये सारी चीज़ें जो हैं लैब में प्रिपेयर की जा सकती हैं डेड ऑर्गेनिज्म से? कह रहा है कि नो, यहाँ पे ये बता रही है नो, देयर फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस है, एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लैब, लैब में इस प्रोसेस को नहीं किया जा सकता है, बहुत स्लो प्रोसेस है ये। अब हम लोग आगे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कराए कि सम नेचुरल रिसोर्सेज एंड लिमिटेड, कराए कि सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये नेचुरल रिसोर्स के बारे में बता रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ये लिमिटेड हैं। हम लोग देख रहे हैं 5.4, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कराए कि कुछ जो है नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। कराए कि लाइक फॉसिल फ्यूल जो हैं, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, ये जो है लिमिटेड हैं, एक्सॉस्टेबल हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे, एक्सॉस्टेबल हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम, ये कोल जो है और पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल, ये फॉसिल फ्यूल हैं। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फॉसिल दिस फ्यूल्स, कह रहा है कि मिलियंस ऑफ ईयर लग जा रहे हैं, यहाँ मिलियंस ऑफ ईयर समय लग जा रहा है इसको कन्वर्ट होने में। ऑन द अदर हैंड, कह रहा है कि दूसरी तरफ
नॉन रिजर्व्स ऑफ दिस विल लास्ट ऑलमोस्ट फ्यू हंड्रेड ईयर, कुछ सैकड़ों साल तक ही ये हमारे पास रहेंगे। कराए कि बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज अ मेजर काउज ऑफ एयर पॉल्यूशन, इसके कारण क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज दिस फ्यूल ओनली वैन एब्सोल्यूटली नेसेसरी, जब बहुत ही ज़रूरी हो, एब्सोल्यूटली नेसेसरी हो तभी इसका यूज होना चाहिए, क्योंकि बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। कह रहा है कि दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, बेटर इन्वायरमेंट के लिए जो है हम लोग को ये सब करना पड़ेगा। ए स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो स्मॉलर रिस्क होगा। एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हम लोग लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से है। अब हम लोग एक दो और देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है एक, क्या है, PCRA है ये, PCRA। PCRA का मतलब क्या है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन है। एडवाइस कर रहा है, क्या कर रहा है, लोगों को सलाह दे रहा है कि सेव करना है। क्या सेव करना है, कह रहा है कि सेव करना है, सेव पेट्रोल और डीजल व्हाइल ड्राइविंग। ये टिप्स दिए गए हैं कैसे हम लोग बचा सकते हैं पेट्रोल और डीजल को। कह रहा है कि ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड से गाड़ी को चलाना है जहाँ तक संभव हो सके। स्विच ऑफ इंजन, इंजन को स्विच ऑफ कर देना है, कहाँ पे, ट्रैफिक लाइट और प्लेसेस वेयर यू हैव टू वेट, जहाँ वेट कर रहे हैं वहाँ स्विच ऑफ कर दे रहा है। और इंश्योर करेक्ट टाइप ऑफ टायर प्रेशर जो है सही होना चाहिए। और लास्ट में क्या कर रहा है कि रेगुलर मेंटेनेंस कराना है, क्या चीज़ का कराना है, गाड़ी का कराना है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, की वर्ड्स को हम लोग कॉपी में लिख के याद करेंगे। कोल गैस, कोल तार, कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, ये की वर्ड्स हैं, इसको हम लोग याद करेंगे। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी, कुछ यहाँ पे की वर्ड्स हम लोग दूसरे क्लास में, दूसरे वीडियो में देखेंगे।